हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कोको वेटिंग बनाना का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोको नाम का कोई शख्स है जिसे केले खाना बहुत पसंद है और उसे कुछ ढेर मिलते हैं बनाना के, बहुत सारे ढेर, एन नंबर ऑफ ढेर। ठीक है, तो दे रखा है हमें कि हर आइथ नंबर की पाई या फिर आइथ नंबर का जो ढेर है उसमें कुछ बनाना है जो हमें इस एरे से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यानी कि पहले ढेर के अंदर 3 बनाना रखे हैं, दूसरे के अंदर 6, तीसरे के अंदर 7, चौथे के अंदर 11। अच्छा, तो इसमें हमें बोला गया है कि जो इसके रखवाली करने वाले गार्ड थे इन ढेर के जिसमें केले रखे गए हैं, वो कुछ एच घंटे के लिए बाहर जा रखे हैं। ठीक है, इस सैंपल इनपुट के लिए हमें एच दे रखा है 8। ठीक है, तो अब ये कोको है वो बहुत ही बदमाश बच्चा है। वो क्या करना चाहता है, वो सारे के सारे ये जो ढेर में बनाना रखे हैं या केले रखे हैं वो खाना चाहता है सारे के सारे, और वो के स्पीड से खा सकता है। अच्छा, तो इसमें बोल रखा है कि ना ये कोको जो है वो धीरे धीरे केले को खाना पसंद करता है। कोको को किसी तरह है ना ये सारे सारे केले खत्म करने, क्योंकि कोको को केले बहुत पसंद है। अब कोको को सबसे धीरे भी स्पीड में खाना है और सारे केले भी खत्म करने हैं। तो हमें बोला गया है कि मिनिमम कितनी स्पीड रखे कोको कि ये सारे के सारे जो केले हैं वो हमारे गार्ड के आने से पहले खत्म कर ले। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। से बेसिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एक करके हम ट्राई कर सकते हैं सारी की सारी स्पीड्स को। ठीक है, तो हम पहले अज्यूम करते हैं कि कोको एक बनाना पर आर के हिसाब से खा सकते हैं, तो वही करते हैं। एक आर के हिसाब से, एक केला पर घंटे के हिसाब से खा रहे हैं तो कितने टाइम लेगा, 3 घंटे, 6 घंटे, तीसरी पाइल खत्म करने में 7 घंटे, चौथी पाइल खत्म करने में 11 घंटे। यानी कि टोटल कितने घंटे हुए, ये हुए कुछ 27 घंटे हुए। 27 घंटे लग रहे हैं, गार्ड तो 8 घंटे के अंदर ही आ रहे हैं, तो वन हमारा आंसर नहीं हो सकता। दो को ट्राई करते हैं, चलो दो केले के हिसाब से खा के देखते हैं। इसने दो केले खाए, एक और उसके बाद फिर से दो केले खाए गए। हाँ, अब आता है हमारा ये वाली कंडीशन, इफ पाइल हैज लेस देन के बनाना ही ईट्स ऑल ऑफ देम इंस्टेड एंड नॉट ईट एनी मोर। अच्छा, तो अगर इसमें हमें बोल रखा है कि इसमें 3 बनाना है और हम 2 की स्पीड से खा रहे हैं, तो पहले हर घंटे के हिसाब से जो पाइल चूज कर रखी है सिर्फ वही खत्म होगी। तो जैसे कि यहाँ पे 3 केले थे, इसने 2 केले खत्म कर लिए, अब अगले घंटे क्या होगा, ये इसी पाइल को ही चूज करे रखेंगे और सिर्फ 1 केला खाएगी। जो 1 केला एक्स्ट्रा खा सकती थी वो सेकंड पाइल से उठा के खाएगी वो। तो इसलिए हमें पहली पाइल को खत्म करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे। सिमिलरली अगर दूसरी पाइल की बात करें तो उसमें कितना लगेगा टाइम, 3 घंटे। यहाँ पे भी यहाँ पे 4 घंटे लग जाएंगे असल में, और 11 को खत्म करने के लिए 6 घंटे लग जाएंगे। तो चलिए ऐड करके देखते हैं कि टोटल कितना टाइम लग रहा है अगर 2 की स्पीड से खाते हैं तो इसमें लग जाएगा कुछ 15 घंटे। 15 घंटे तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, हमें तो 8 घंटे के अंदर ख़त्म करने थे। तो 2 की स्पीड से भी नहीं खा सकती कोको, तो अब 3 से ट्राई करते हैं। तो ये पहली पाइल 1 घंटे के अंदर ख़त्म, दूसरी पाइल 2 घंटे में, तीसरी पाइल 3 घंटे में, चौथी पाइल 4 घंटे में। तो अब कितना टाइम लग रहा है इसको, तो अगर कैलकुलेट करें तो 7 और ये 3 10, अभी भी 10 घंटे लग रहे हैं। 10 घंटे पहले तो गार्ड ही आ जाएंगे, तो 3 भी आंसर नहीं हो सकता। 4 ट्राई करते हैं, ऐसी 4 हमने ट्राई किया, 1 घंटे के अंदर खत्म, 2 घंटे लगे दूसरी पाइल को, फिर से 2 घंटे लगे तीसरी पाइल को, और चौथी पाइल खत्म हुई 3 घंटे में।
और यानी कि 8 घंटे के अंदर सारे सारे केले खत्म। अच्छा, तो ये तो था हमारा एक बेसिक सा सोल्यूशन जिसमें हम वन से लेके ट्राई कर रहे थे कि एक एक केला बढ़ाते जाएं और उस स्पीड के चेक करते जाएं। अब आप सोचिए कि अगर हम ऐसे करते हुए सारे नंबर्स चेक करने लगे तो एन नंबर यहाँ पे से लग जाएगा हमें टाइम, और यहाँ पे एन नहीं, एन तो नंबर ऑफ ये है, नंबर ऑफ फाइल्स है, तो एन की जगह हम ले लेते हैं कुछ जेड नंबर ऑफ, चेक करने पड़ेंगे हमें वन से लेके जेड तक कुछ स्पीड हमें लेते रहनी पड़ेगी हर बार और चेक करना पड़ेगा, तो हमें इसमें लग जाएगा जेड नंबर ऑफ टाइम। अच्छा, और हम इसको कितनी बार करना पड़ेगा, ये टाइम निकाल के ऐड कर रहे हैं तो इसमें कम से कम हमें एन टाइम लगेगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें लग रहे हैं और ये टोटल जेड टाइम चल रहा है तो एन इंटू जेड, या फिर हम बोलें एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें लग रहे हैं हमें, तो एन स्क्वायर नंबर ऑपरेशन लग रहे हैं यानी कि ओ ऑफ एन स्क्वायर में ये काम हो रहा है। अब ओ ऑफ एन स्क्वायर में अगर कोई काम होगा तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो जैसे कि ये हम चाहता है कि हम जितने कम नंबर मिनिमम इंटीजर निकाल के दें उसको, मतलब मिनिमम स्पीड निकाल के बताएं कि कितने मिनिमम खा के तेरे सारे केले खत्म होंगे, तो वैसे ही हमें ये चीज़ जो निकालनी हो जल्दी जल्दी निकालने की ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों करना चाहिए, गार्ड्स आ रहे हैं, गार्ड्स अगर आ रहे हैं तो हमें काम भी अपना जल्दी करके दिखाना चाहिए उसको, तो चलिए इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए कि ये जो मैंने बोला था कि हम एक एक करके चेक कर रहे हैं वन से लेके कुछ जेड तक, ये जेड है वन से लेके जेड नंबर तक चेक कर रहे थे, तो वन से लेके जेड तक चेक करने से अच्छा हम क्यों ना उल्टा करें, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है, 11 है, 11 केले ही एक बार में खा के देख ले और उसके बाद हम नंबर कम करते जाएं। ये ना अच्छा आइडिया लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें तो 3, 6, 7 और 11 है, अब पता चले कि 100, 200 एक पाइल के अंदर हो तो वन से लेके 100 तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, मगर हम अगर पीछे की साइड से चलें तो कम टाइम लगेगा, हम मैक्सिमम स्पीड निकाल लेते हैं कि एक बार में कितने जल्दी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि 1 घंटे में एक ही पाइल चूज हो सकती है, चलिए यही ट्राई करते हैं हम। तो अगर 11 के हिसाब से अगर हम खाते हैं, कोको खाते हैं हम तो नहीं खाते, तो पहले घंटे के पहली पाइल से 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी पाइल से भी 1 घंटे के अंदर, तीसरी पाइल से भी 1 घंटे के अंदर, चौथी पाइल से भी 1 घंटे के अंदर, तो 11 की स्पीड से अगर कोई भी खाएगा यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बनाना इन वन पाइल अगर हम यूज करेंगे इसको हमारे के को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो ज्यादा सही होगा कि हमारी मतलब ये 11 हमारी मैक्सिमम स्पीड है जो हम 4 घंटे के अंदर सब खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम टाइम अगर हम देखें तो हर घंटे एक पाइल चूज हो सकती है, तो नंबर ऑफ पाइल्स एन है, तो एट मैक्स 4 घंटे, एट मिनिमम 4 घंटे के अंदर ही कवर हो सकता है, और 4 घंटे के अंदर कवर करने के लिए हमें 11 के हिसाब से खाना पड़ेगा, और वैसे तो हम 12 से भी खाएं तो भी हो जाएगा, मगर अगर 4 घंटे के अंदर ये चीज़ खत्म करनी है, अगर हम मिनिमम निकालें उसके लिए के को, तो हमें मिलेगा 11। अच्छा, तो इससे हम एक और चीज़ ड्राइव कर सकते हैं कि हमने मैक्सिमम नंबर निकाल लिया, अब नंबर ऑफ पाइल नंबर ऑफ आर्स के बराबर हो गई, तो क्या होगा, जो हमारी ये मैक्सिमम स्पीड हमने कैलकुलेट की थी ना उसी स्पीड से खाना पड़ेगा तभी ये पूरा होगा, और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो नंबर ऑफ आर्स हमारे गार्ड्स जा रखे हैं वो हमेशा ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा हमारे एन से, वरना सारे के सारे पाइल्स कभी खत्म हो ही नहीं पाएंगे।
आप समझ रहे हैं, ये क्योंकि हर घंटे एक पाइल चूज हो सकती है और आप एक ही पाइल चूज कर सकते हैं हर घंटे के अंदर, कम से कम एन नंबर ऑफ आवर्स तो हमें चाहिए चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा बोल रखा है कि एच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, वरना आंसर इसका पॉसिबल ही नहीं है कि कोको ये अपने बाकी कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से सारे केले खत्म कर ले। अच्छा, तो हमें ये चीज तो मिल गई। अब हम क्या करेंगे, 11 से हम ट्राई करते जाएंगे और देखेंगे कि कब तक खा पाएगा कोको अपने सारे सारे बनाना। ठीक है, तो हम 11 से स्टार्ट करेंगे, फिर 12, फिर 13, मतलब 11 नहीं सॉरी 10, ऐसे कर करके हम जाएंगे। मगर अभी भी तो हम सेम टाइम ही ले रहे हैं, बजाय भले ही हम इसके मुकाबले जो पुरानी हम चीज यूज कर रहे थे, पुरानी टेक्निक, उसके मुकाबले अभी शायद ज्यादा टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 1 2 3 4 करते ही 4 ये हमारा आंसर था तो हम जल्दी मिल गया था, और इस तरीके से जा रहे हैं तो आधा टाइम लग रहा है। तो अभी भी हमें ज्यादा ही टाइम लग रहा है। मगर अगर हम ये सोचें कि इसकी जगह हम कुछ और टेक्निक निकालें, कि हमें 11, हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर हो सकता है, कि मैक्सिमम स्पीड है ये हमारी एट विच कि हम ये सारे के सारे पाइल्स को जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। तो हम ये मान सकते हैं कि 1 से अगर 11 के बीच में कोई ना कोई ऐसे हमारे नंबर होगा जो हमारे केले भी खत्म करवा देगा और मिनिमम भी होगा, 8 घंटे में जो मिनिमम टाइम लेके खत्म हो सकते हैं ये केले, वो हमारा 1 से लेके 11 के बीच में ही होगा, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। ये हम कैसे करें, अब सोचिए हमने ऐसी कौन सी टेक्निक पढ़ी थी जो दो एक्सट्रीम्स के बीच में कुछ हो उसको सर्च करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद थी, वो हमारी बाइनरी सर्च थी। अगर हम बाइनरी सर्च लगा दें इसके बीच में कि 1 से लेके 11 के बीच में, या फिर 1 की जगह 0 ही मान लेते हैं, 0 से लेके 11 के बीच में हमारा आंसर होगा, और हम उस आंसर को फाइंड करने के लिए बाइनरी सर्च लगा दें, तो हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत कम हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होंगे तो हमारी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन की। तो हम इसी में बाइनरी सर्च लगा देते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ बनाना इन 1 पाइल निकालते हैं, और उसके बाद 0 से लेके 11 के बीच में एक बाइनरी सर्च लगा देते हैं अपने जो के है मिनिमम स्पीड निकालने के लिए। मिन स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगा देते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं कि हम इसको लगा कैसे सकते हैं। तो चलिए कोड करके ट्राई करते हैं कि इसको हम साथ के साथ समझ सकें। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम निकालना था। इसका निकालना था मैक्सिमम फाइल के अंदर जो भी, मतलब एक पाइल के अंदर मैक्सिमम केले कितने थे वो निकालना था। तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए मैक्सिमम 0 से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि -1 नंबर ऑफ केले का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे हम पहले दे रखा है कि पाइल्स में 0 केले 0 दे रखा है, मतलब केले नेगेटिव में तो क्या ही होंगे, पॉजिटिव नंबर ही होगा कोई। तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं मैक्सिमम इक्वल 0 से हम स्टार्ट करें तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केले मिल ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इंट इंट भी फॉर ईच लूप लगा देते हैं, नहीं ये नॉर्मल तरीके से करते देते हैं, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन पाइल्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, और अब लगा देते हैं हम मैक्स इक्वल मैक्स ऑफ मैक्स, मैक्स यहाँ पे इतना बार लिख रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैक्स MX नाम से वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बनाना इन 1 पाइल आ जाएगा।
अब मैक्सिमम निकालने के लिए हम ऐसे कुछ करते हैं, आपने पुराने क्वेश्चंस में देख ही रखा होगा कि मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं, तो बस हमने मैक्सिमम निकाल लिया। हमने मैक्सिमम निकाल लिया, अब उसके ऊपर बाइनरी सर्च लगानी है, तो लो को हम स्टार्ट करते जीरो से और हाई को स्टार्ट कर देते हैं हम अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ बनाना से। ठीक है, तो अब बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक वाइल लूप लिखेंगे, लो लेस देन इक्वल टू हाई, तब तक ये चलेगा, और हमें स्पीड निकालनी है, तो एक स्पीड वेरिएबल बना लेते हैं। चलिए ये निकली हमारी स्पीड, चलिए इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, या इसको लिख देते हैं 1e9। मैक्सिमम से स्टार्ट कर दे क्योंकि हमें मिनिमम स्पीड निकालनी है। अच्छा, अब एसपी निकालते हैं हम, तो हम स्पीड निकाल रहे हैं, तो ये स्पीड है क्या चीज, मतलब करंट स्पीड निकाल रहे हैं ना हम बाइनरी सर्च लगा रहे थे ना, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, लो प्लस हाई डिवाइड बाई टू। हम बीच से स्टार्ट करते हैं, देख लेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम लो प्लस हाई यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, अब देखते हैं कि क्यों नहीं यूज करना चाहिए। तो हम अगर बाइनरी सर्च लगा रहे थे तो आपको याद होगा कि हम क्या कर रहे थे, किसी एरे के ऊपर लगा रहे थे या फिर किसी लिंक लिस्ट के ऊपर लगा रहे थे इस तरीके से, मगर यहाँ पे कोई इंडेक्स जैसी चीज़ तो है नहीं जो आउट ऑफ बाउंड जा सकती है या ऐसे कुछ हो सकता है, और मगर यहाँ पे हम इंटीजर्स यूज़ कर रहे हैं जो किसी रेंज में है। अब अगर हम इंटीजर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो लो प्लस हाई शायद हो सकता है कि इंटीजर ओवरफ्लो में चले जाए, लो और हाई एग्जिस्ट कर रहा हूँ मगर लो प्लस हाई शायद इंटीजर ओवरफ्लो करते, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं, लो प्लस हाई माइनस लो। इस तरीके से हम क्या करते हैं अपना स्पीड निकाल लेते हैं या फिर मिडिल एलिमेंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अब हमें मिल गई है स्पीड, अब हम चेक कर लेते हैं कि इज पॉसिबल टू ईट। अब हमने जो स्पीड चूज की है, अब ऐसा हो सकता है कि वो स्पीड से वो केले कभी खत्म ही नहीं हो पाए, अगर खत्म नहीं हो पाएंगे तो स्पीड निकाल लेके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या भेजेंगे, फाइल्स भेज देते हैं, उसके साथ में एक अपनी स्पीड भेजते हैं और कितने घंटे के अंदर खत्म करना है वो। ये फंक्शन मुझे बता देगा कि केले खा सकते हैं कि नहीं खा सकते उस स्पीड में, और अगर खा सकते हैं तो हम अपनी स्पीड को किससे रिप्लेस कर देंगे, एसपी से, और क्या करेंगे हम हाई को स्पीड माइनस वन से रिप्लेस कर देते हैं। याद होगा ना आपको, पॉसिबल है यहाँ पे लेफ्ट था राइट था, बीच में अगर पॉसिबल है इस साइड में लेफ्ट साइड में जाने की कोशिश करते थे, तो हम क्या करेंगे हाई को स्पीड माइनस वन कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि हमने जो स्पीड ले ली है वो ज़्यादा ही कम है और उतने में खाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। स्पीड को बढ़ा देंगे यानी कि हम जो हमारा लो था उसको क्या करेंगे एसपी प्लस वन, और आखिर में ये वैल्यू जब खत्म हो जाएगा तो हम क्या करना चाहिए, हमें जो भी स्पीड हमें मिनिमम मिल पाई उसको बस रिटर्न कर देना, और बस हो गया हमारा फंक्शन कंप्लीट ईटिंग बनाना इसके लिए। बात आई इस पॉसिबल फंक्शन लिखने की, तो चलिए पहले इस पॉसिबल फंक्शन को लिखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि ये इस पॉसिबल फंक्शन को कैसे लिखें। तो मैं इसको ऊपर क्यों लिख रहा हूँ सबसे पहले, अच्छा तो मैं इसको ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि C++
टू डाउन कंपाइल होती है, टॉप टू डाउन कंपाइल होती है, और अगर मैंने इसको नीचे लिख दिया तो यहाँ पे मुझे बोलेगा सी प्लस प्लस का कंपाइलर कि ये क्या चीज़ है, तुमने ये कहाँ से उठा कर लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। अच्छा, तो उससे बचने के लिए मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ, या फिर मैं इसका एक फंक्शन प्रोटोटाइप बना के यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं फंक्शन प्रोटोटाइप यूज़ करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे नहीं, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इस तरीके का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो जाके नीचे ढूंढना, तो इस जगह पे एरर मुझे नहीं मिलेगा। या तो हम इसके ऊपर ये फंक्शन बना दें, या फिर यहाँ पे इस जगह पे हम एक फंक्शन प्रोटोटाइप लिख दें इस पॉसिबल के लिए, तो हम ऊपर ही फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, इतना काम कौन करेगा। तो सबसे पहले तो इस पॉसिबल फंक्शन हम लिख रहे हैं, तो हम क्या चीज़ निकाल रहे थे, हम निकाल रहे हैं कि कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि टाइम कितना ले रहा है स्पीड से बनाना खाने के लिए। तो स्टार्टिंग में टाइम 0 ले लेते हैं, अब लगाते हैं एक फॉर लूप जो सारी के सारी फाइल के हिसाब से टाइम को कैलकुलेट करेगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन फाइल्स डॉट साइज, अच्छा आई प्लस प्लस, ठीक है। और टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम प्लस इक्वल्स ए फाइल्स आई डिवाइड बाय स्पीड, यानी कि एक फाइल से निकलने का खाने का टाइम मिल जाएगा, और फिर रिटर्न कर देंगे कुछ ट्रू या फॉल्स। अगर टाइम क्या होगा लेस देन या फिर इक्वल टू एच, यानी कि जो हमारा टाइम मिल रहा है, या तो एच से जल्दी पूरा कर दें खाने का काम जिस स्पीड से हम कर रहे हैं, या फिर एट लीस्ट नंबर ऑफ आवर्स में कंप्लीट हो रहा हो, तभी पॉसिबल है कि वो सारे केले खत्म हो पाएंगे। तो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या आप देख सकते हैं कि वो गड़बड़ कहाँ पे है, ये फंक्शन जो मैंने लिखे हैं उसमें डेफिनेटली एक जगह पे गड़बड़ है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कीजिए और थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि मैंने गड़बड़ कहाँ पे की है। मुझे लगता है कि आपने शायद सोचा होगा कि गड़बड़ कहाँ पे है, तो मैं ज़रा दिखाता हूँ इस जगह पे। ज़रा इस जगह को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइल्स आई डिवाइड बाय एसपी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइल्स आई डिवाइड बाय एसपी कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये फाइल्स क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, फाइल्स आई के अंदर जो एलिमेंट है वो एक इंटीजर वैल्यू है, ये एसपी है वो भी इंटीजर वैल्यू है, और जो टाइम है वो भी एक इंटीजर वैल्यू है। अब मान लीजिए कि मेरे पास है 8 बनानास, या 8 की जगह आप सोचिए, थोड़ा सा सही सा लेते हैं हम इसकी जगह, तो 8 की जगह आप सोचिए कि मेरे पास है 13 बनानास, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि मेरी स्पीड 2 है, तो कितना टाइम लगना चाहिए फिर इसको, इसमें लगना चाहिए इसको 7 आवर्स। मगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए तो क्या आना आएगा, 13 डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, जो कि हमारे 7 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना होगा, हमें इसकी सी वैल्यू लेनी होगी, इसको हमें पहले तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में निकालना पड़ेगा आंसर, इसमें इसका आंसर 6 तो आता नहीं है। अगर हम प्रॉपर तौर पर कैलकुलेट करें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर डिस को यूज़ करके, तो कुछ 6.5 आता है, अब 6.5 आ रहा है, तो अगर हम 6.5 का सील लें तो ये आता है, तो बस यही करना है, इस जगह पे हमें बस सील वैल्यू चाहिए। तो हम लगा देंगे सील, और फ्लोटिंग पॉइंट में ही निकले इसको, और शो करने के लिए 1.0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ठीक है।
इसको हटा देता हूँ मैं, और अब जरा रन करके देखते हैं इसको, ये चल भी रहा है नहीं चल रहा। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, सेमी कोलन लगाना भूल गया हूँ मैं। तो 28 में देखते हैं कहाँ पे है, 28 लगा दो भाई सेमी कोलन। तो ये हो गया सक्सेसफुली मेरे सैंपल टेस्ट केस के लिए, सबमिट भी मार देते हैं अब। तो ये तीनों टेस्ट केस पास हो गए। तो अब मुझे बताइए आप कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए जो हमने फंक्शंस लिखे हैं। थोड़ा सोचिए, देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, सोच के आइए, हम जरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पाइल थी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, तो ये सिर्फ ये फंक्शन अगर हम कॉल कर रहे हैं तो वो कितनी बार चलेगा, एटलीस्ट n टाइम चलेगा, ठीक है। और अगर करें बात हम इसकी, ये हमारा कुछ बाइनरी सर्च का ही फंक्शन है एक तरह से, तो ये कितने में चलता है, लॉग n में चलता है। तो अगर हम इस फंक्शन मिनिमम स्पीड फंक्शन के अंदर एक लॉग एन का चीज लिख रखी है हमने, और ये लॉग एन की चीज एक एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शन को कॉल करती है हर बार, तो आप क्या लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली एन लॉग एन। और आप डेफिनेटली समझ सकते हैं ओ ऑफ एन लॉग एन स्मॉलर देन एन स्क्वायर, जो हमने ओरिजिनल फंक्शन सोचा था, जो हमने इनिशियली सोचा था कि हम एक एक करके नंबर बढ़ाते हैं और हमें मिल जाएगा हमारा सोल्यूशन। तो एन लॉग एन इज बेटर देन एन स्क्वायर, तो इसमें हमें सिर्फ कितना टाइम लगा, एन लॉग एन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इतने सारे कैलकुलेशन की और ये किया वो किया, और उसमें तो सिर्फ चार स्टेप में आ रहा था, मगर आपको ध्यान रखना है कि वो चार सिर्फ इस केस के लिए आ रहा था, इस स्पेसिफिक केस के लिए, एक जनरलाइज केस के लिए नहीं। अब मान लीजिए कि आपके पास 1000-2000 पाइल्स होती हैं, अब उतने ढेर में से आप ये चीज़ लगाने की कोशिश करते तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाता, मगर आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? ऑब्वियसली आपको कम टाइम लगेगा। तो इसलिए ये फंक्शन ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे जो नई सॉल्यूशन था उससे। अच्छा, तो ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब थोड़ी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज की हुई दिख रही है? अब ध्यान से देखिए, कहीं आप देख पा रहे हैं कि मैंने कोई नई एरे बनाई या स्टैक बनाया, क्यू बनाई? नहीं, मैंने तो कुछ नया ऐसा नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ये थोड़े से कॉन्स्टेंट फंक्शंस लिए, दो तीन फंक्शंस कह रहा हूँ सॉरी, वेरिएबल्स लिए मैंने दो चार, और बस उससे मेरा काम चल गया। तो यानी कि मैंने थोड़ी कॉन्स्टेंट स्पेस ले ली, यानी कि जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ओ ऑफ वन है, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई एन लॉग एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन। तो इसके साथ आपका कोको ईटिंग बनाना का सोल्यूशन पूरा होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करने के लिए तैयार हैं, और आप इस क्वेश्चन को फिर से खुद से ट्राई कीजिए, और क्या पता आप मेरे सोल्यूशन की जगह आप कुछ और सोल्यूशन खुद बना लें। तो चलिए, इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।